नमस्कार दोस्तों, आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए आज मैं दिखाता हूँ एक, ये देखिए 4440 वाली जो एक एम्पलीफायर है। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर गाड़ी में यूज किया जाता है और इसमें हम 12 वोल्ट बैटरी से इसे बजा सकते हैं। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर ये बैटरी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसे SMPA से चलाने वाला हूँ और इसके दोनों चैनल में मैं स्पीकर लगा दिया हूँ। तो दोस्तों इसमें फॉल्ट आया है, एक चैनल में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो उसी को अभी चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक SMPS यूज किया 12 वोल्ट का और यहाँ पे हमने आउटपुट दे दिया है और ये हमारा लाइन वाला इन है, इस पर हम लाइन देते हैं। तो ये देखिए हमारा SMPS में लाइट आ चुका है और हमारा ये एम्पलीफायर में भी लाइन आ चुका है। अब यहाँ पे मैं इसका वॉल्यूम दे करके देखता हूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक स्पीकर बज रहा है, दूसरा स्पीकर नहीं बज रहा है, ये वाला स्पीकर नहीं बज रहा है और ये वाला स्पीकर बज रहा है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये देखिए ये वाला चैनल नहीं बज रहा और ये बज रहा है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है वो अभी हम खोल के चेक करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारा काफ़ी वायरिंग यहाँ पे टूटा हुआ है, हो सकता है इन वायरिंग की वजह से एक चैनल पे आवाज़ नहीं आ रही है। और हम देख लेते हैं यहाँ पर फिर भी स्पीकर में ऑडियो इनपुट दे करके। तो दोस्तों आइए अब इसका टेस्टिंग भी कर लेते हैं, कौन सा चैनल में हमारा इनपुट आ रहा है, जो कौन सा चैनल में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम टेपिंग दे के देखते हैं। ये देखिए सेकेंड वाला जो पिन होता है ये हमारा इनपुट पिन होता है, यानी ये वाला IC हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों हम दूसरा वाला चैनल में अब टेपिंग देके देखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा चैनल, तो इस पर हमारा टेपिंग नहीं उठा रहा है, यानी कि ये वाला IC हमारा ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों अब इसे हम IC को चेंज करके और इसका फिर मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने IC को बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल लिया है PCB बोर्ड से। अब यहाँ पर देखिए हम, ये देखिए दोस्तों हमें IC को कुछ इस प्रकार से ही लगाना है, जैसे कि ये सिल्वर वाला पट्टी ऊपर आनी चाहिए और ये ब्लैक वाला नीचे जानी चाहिए, उसी का डायरेक्शन में ये सीधा उल्टा में ये अपनी जगह पर सही से लग जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन में हमारा IC में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, जैसे IC का नंबर और उसका डिटेल वगैरह, तो हमें इस साइड से एक नंबर पिन गिननी है, ये वाली एक नंबर पिन होती है और इस साइड से हमें पिन गिननी होती है। दोस्तों अब यहाँ पर हम इसको इसी प्रकार में लगाने वाले हैं, जैसे कि ये देखिए ब्लैक वाला पट्टी नीचे जाएगा, ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमें इसे बैठा लेना है। और दोस्तों उसके बाद हमें जब डायरेक्टली सोल्डिंग नहीं करना है, यहाँ पे पहले हम इसे थोड़ा बेंड कर देंगे, उसके बाद दोस्तों हमें IC लगाने से पहले इसमें हीट सिंक कस देना है, क्योंकि हीट सिंक कसे बिना ही अगर इसे हम IC यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे तो सोल्डिंग करने के दौरान ये IC ख़राब हो सकती है, इसलिए दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे हीट सिंक कस लेना है, उसके बाद इसे सोल्डिंग करना है। इसलिए हम इसमें यहाँ पे हम हीट सिंक को कस लेते हैं और यहाँ पे ये जो वाइट वाला केमिकल आता है ये भी हमें लगा लेना है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर लगाएं। देखिए इतनी छोटी डब्बी में ये आती है। क्योंकि हीट सिंक लगाने में काफ़ी ये हीट सिंक को उसके जगह पे लगा लेना अच्छे से, उसके बाद नट बोल्ट्स को टाइट कर देना है ताकि IC में सोल्डिंग करते वक्त
हमारा अगर ऐसे हीट भी होता है तो वो हीट सिंक उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। दोस्तों 4040 IC का फुल वायरिंग वाला वीडियो अगर आप लोग को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे वीडियोज़ में पीछे जा कर के देख सकते हैं, तो पुराने वीडियोज़ में अपलोड होगी इसकी फुल वायरिंग, तो आप वहाँ से भी इसकी फुल वायरिंग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने आईसी को फिटिंग से साथ पूरा अच्छे से कस लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें सोल्डिंग मार देंगे और उसके बाद इसे हम चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सोल्डिंग मारने से पहले यहाँ पे देख लेना है हमारा सारा पिन अपनी जगह पे तो है ना, उसके बाद सोल्डिंग मारने के बाद इसे साफ़ सफाई भी कर लेना है। तो मैं इसे सोल्डिंग कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आईसी लगा दिया है, उसके बाद इसमें ब्रश से भी साफ़ कर देना है ताकि इधर उधर अगर ट्रैक में गया होगा तो वो भी क्लीन हो जाएगा क्लियर, और ब्रश से साफ़ करने के बाद शॉर्टिंग का कोई यहाँ पर चांसेस नहीं रहता है। अब दोस्तों इसमें हम लाइन दे करके और फिर इसमें दोनों चैनल को चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम स्पीकर में कनेक्शन कर दिए हैं, अब यहाँ पे हम लाइन ऑन करके और देख इसे चालू करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ एम्पलीफायर में लाइन आ चुका है, ये देखिए हमारा दोनों आईसी में आउटपुट आ रहा है और दोनों स्पीकर बज रहा है, ये देखिए दोस्तों।